The class. So today we are going to study from the third paragraph. So here you can see, I'm going to read just to see that. Mother Patris flew straight towards the enemy. She came down bravely beside him. तो पहले हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे कि the bird and her baby birds went to a river and for drinking water. But at that time only one enemy came, namely fox. Okay, so the fox was, as we know that fox is very cunning animal. बहुत चालाक रहता है वो, फॉक्स बहुत चालाक रहता है. तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सी केम डाउन, मदर पैट्रिस फ्लू स्ट्रेट टुवर्ड्स द एनिमी. जब फॉक्स आ गया तो उस समय उनको पता चल गया कि मदर पैट्रिस को पता चल गया कि एक एनिमी है. सो वो उस अपने बच्चे को, बच्चे सब जाके हाइड हो गए. जब वो एक साउंड की कर कर करके हाइड हाइड बोल के, तो सब बच्चे जाके छिप गए अपने अपने प्लेसेस पर. पर उसके बाद क्या हुआ, मदर पैट्रिस फ्लू स्ट्रेट टुवर्ड्स द एनिमी. अब वो फॉक्स के तरफ स्ट्रेट जाके उसके तरफ से फ्लाई की, ठीक है. उसके बाद सी केम डाउन ब्रेवली बिसाइड हिम. अब वो क्या की, और जोर से फ्लाई करके गई और फिर उसके साइड फिर से ब्रेवली आ गई. देन सी थ्रू हरसेल्फ ऑन द ग्राउंड. अब वो क्या करने लगी, अपने आप को नीचे गिराने लगी. सी मूव्ड एज इफ सी वॉज लैम एंड सी साउंडेड एज इफ सी वॉज हर्ट. अब वो एक ड्रामा और एक प्लान करने लगी कि क्या करने लगी, उसके बच्चे लोग को बचाने के लिए, उसके बच्चे लोग को हाइड करने के लिए वो अपने आप को नीचे गिरा दी, फिर ऊपर मूव्ड हो गई और नीचे आने लगी. ऐसे अपने आप को हर्ट करने लगी, मतलब अपने आप को घायल करने लगी. वॉज सी बेगिंग द फॉक्स टू लेट हर एंड द बेबीज गो. यहाँ पे एक क्वेश्चन हमको मिलता है कि वॉज सी, क्या वो बर्ड पैट्रिस, मदर पैट्रिस बेगिंग द फॉक्स टू लेट हर एंड द बेबीज गो. अब वो क्या बेग कर रही थी, वो क्या रिक्वेस्ट कर रही थी. बेगिंग मतलब रिक्वेस्ट करना. यहाँ पे क्या वो फॉक्स को रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे बच्चा, मुझे मत मारो, या फिर मेरे बेबीज को मत मारो. ओ नो, लेकिन नहीं. यू मे हैव हर्ड दैट द फॉक्स इज ए वेरी क्लेवर एनिमल, सॉरी ए क्लेवर एनिमल. वेट एंड सी हाउ मच क्लेवर ए मदर पैट्रिस कैन बी. आपको पता है, वी नो दैट फॉक्स इज ए वेरी क्लेवर एनिमल और ए कनिंग एनिमल. सो अब हम लोग देखते हैं कि मदर पैट्रिस एक माँ कैसे क्लेवर होते हैं, ठीक है, अपने बच्चे को बचाने के लिए. So let's start. The fox was excited to find the bird so suddenly with his reach. अब फॉक्स क्या हो गया, जब वो मदर पैट्रिस को देखा कि वाओ, एक अच्छा, मैं तो शिकार भी नहीं करने लगा, लेकिन अब क्या आ गई है, मदर पैट्रिस, एक बर्ड आ गई है मेरे सामने, मेरे पास एक बर्ड पहुंच गई. बहुत अच्छी बात है, वो ऐसे सोच रहा है फॉक्स. ही टर्न with a dash and cut. यहाँ पे dash का मतलब quick and sudden. वो turn suddenly क्या turn किया, पीछे आ गया, मतलब back किया, and cut मतलब उसको पकड़ने लगा. No, he did not catch the bird. लेकिन वो catch नहीं कर पाया, पकड़ नहीं पाया. The bird limped just out of his reach. जब वो पहुँच, मतलब ऐसे एक jump कर रहा था तो थोड़ा सा वो जंप करने लगती थी. लिम्ट मतलब यहाँ पे लिखा हुआ वर्क स्लोली एंड विथ डिफिकल्टी. वो थोड़ा सा जंप करके निकल जाती थी. द फॉक्स जंप्ड अगेन. उसके बाद फिर से जंप किया, कौन, फॉक्स जंप किया. श्योरली ही वांटेड कैच हर दिस टाइम. अब उसको पता था कि हाँ, इस बार मैं जरूर पकड़ लूंगा. बट नो, लेकिन नो, ए स्मॉल ट्री केम बिटवीन देम. इस बार एक छोटा सा ट्री उनके बीच में आ गया और वो पकड़ नहीं पाए. एंड द पैट्रिस डिसअपीयर्ड अंडर ए लॉग. लेकिन इस बार क्या हुआ, एक ट्री आ गई बीच में और पैट्रिस डिसअपीयर्ड, मतलब दिखाई नहीं दी, वहां से गायब हो गई. फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज, 27 पेज नंबर. द फॉक्स वॉज गेटिंग इम्पेशेंट. अब फॉक्स को पेशेंस नहीं हो रहा है, वो वेट नहीं कर पा रहा है. ही स्नैप्ड हिज
जॉस एंड लीप्ड ओवर द लॉग. अब वो स्नैप्ड मतलब क्विकली जाना, ओके क्लोज बहुत पास चला गया, और लिफ्ट लिफ्ट मतलब बहुत जोर से जंप करने लगा लॉग के पास, मतलब एक लकड़ी के टुकड़े के पास. मदर पैट्रिस वॉज लुकिंग लेस लैम नाउ. अब मदर पैट्रिस को क्या हो गया, डरना थोड़ा कम होने लगा. सी टू जम्प्ड फॉरवर्ड एंड फेल डाउन ए बैंक. अब क्या हुआ, बहुत जोर से वो जंप करने लगी और नीचे एक बैंक के पास गिरने लगी, मतलब एक किनारे के पास. द फॉक्स फॉलोड हर क्लोजली. एक किनारा था लास्ट, जंगल के लास्ट में एक किनारा था, वहाँ पे गिर जाने जैसे वो थोड़ा सा ड्रामा की. फिर फॉक्स भी उसको फॉलो करके उसके क्लोज चला गया. ही ऑलमोस्ट कट हर टेल. लेकिन वो उसकी जो टेल थी, उसकी जो पूछ थी, उसको उसके पास पहुंचने लगा था, ऑलमोस्ट पहुंचने वाला था. बट नो मैटर हाउ फास्ट ही वांट एंड लिफ्ट, मदर पैट्रिस वॉज ऑलवेज फास्टर. लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो पहुंच नहीं पाया. जितना भी जोर से जंप करने से भी वो मदर पैट्रिस को पहुंच नहीं पाया, क्योंकि मदर पैट्रिस उससे बहुत ज़्यादा जोर से वो जंप की थी. ओके सो इट वॉज रियली स्ट्रेंज. ये बहुत एक मतलब स्ट्रेंज था. ही द क्विक एंड क्लेवर फॉक्स हैड नॉट कट ए पैट्रिस एवर इवन आफ्टर 5 मिनट्स रेसिंग. ये एक बहुत स्ट्रेंज था, क्योंकि 5 मिनट्स का रेस हो गया था, लेकिन वो उसको मदर पैट्रिस को पकड़ नहीं पाया. 5 मिनट्स तक वो लोग रन किए थे, रेसिंग कंपटीशन टाइप का हो गया था. हाउ कुड दैट बी, ये कैसे हो सकता है. द पैट्रिस सीम्ड टू बिकम स्ट्रॉन्गर एवरी मिनट. ये कैसे हो सकता है कि मदर पैट्रिस मिनट एक एक मिनट में वो बहुत स्ट्रांग होते जा रही है. एंड ऑल द वाइल सी लेड द फॉक्स अवे फ्रॉम द हिल वेयर हर बेबीज वेयर हाइडिंग. अब क्या हुआ, लेकिन ये सब होने के बाद भी वो फॉक्स को भगा दी और अवे फ्रॉम द हिल वेयर द हेयर बेबीज वेयर हाइडिंग, जहाँ पर उनके बेबीज थे वहाँ से वो उस हिल से फॉक्स को भगा दी. आफ्टर ए क्वार्टर ऑफ माइल्स रेस मदर पैट्रिस रोज इन टू द स्काई. और कुछ माइल्स रेस कंपटीशन होने के बाद मदर पैट्रिस जो थी वो ऊपर मतलब उठने लगी. रोज मीन्स ऊपर, राइज का होता है रोज. सो रोज इन टू द स्काई, स्काई के तरफ ऊपर उड़ने लगी. एंड फ्लू अवे थ्रू द वुड्स, और वो जंगल के ऊपर से उड़ने लगी. द फॉक्स वॉज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक द फॉक्स विल फॉलो मदर पैट्रिस एंड फाइंड हर बेबीज. क्या वो फॉक्स मदर पैट्रिस को फॉलो करके उनके बेबीज को मिला होगा. नो, बिकॉज ऑलरेडी ही द फॉक्स ऑलरेडी वेंट अवे. ओके नाउ हियर सी नेक्स्ट पैराग्राफ. सो हियर वी कैन सी द फॉक्स वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड. अब फॉक्स को क्या हुआ, कम्प्लीटली वो सरप्राइज हो गया, उसको मतलब चौंक गया कि नाउ ही रियलाइज दैट द पैट्रिस हैड मेड अ फूल हिम. अब उसको पता चला कि पैट्रिस जो मदर पैट्रिस थी उसको फूल बना के गई. सो यहाँ पे मेड ए फूल ऑफ हिम मीन्स मेड हिम लुक फूलिश बाई मेकिंग हिम बिलीव समथिंग दैट वॉज नॉट ट्रू. ओके नाउ He also remembered that this was not the first time he had been fooled just this way. ये अब उसको समझ में आया, वो realize किया कि ये पहली बार वो मतलब foolish नहीं हुआ है. But he never understood why she did this. लेकिन उसको ये जो तरीका था वो समझ में नहीं आया कि ये actually वो पैट्रिस क्या चाहती थी. फॉक्स को ये समझ में नहीं आया. So let's go for the next phase. You see, the fox did not know that Mother Patrice was keeping him away for her babies. और यहाँ पे फॉक्स को नहीं पता था कि मदर पैट्रिस की बेबीज है, लेकिन मदर पैट्रिस को पता था कि उसकी जो बेबीज थे उनको बचाने के लिए ये फॉक्स के साथ ऐसा कर रहा है. Meanwhile, Mother Patrice flew in a great circle. क्योंकि मदर पैट्रिस क्या कर रही थी, सर्कल में घूम रही थी. एक ठीक है, सी डिड नॉट गो स्ट्रेट टू हर बेबीज सो दैट द फॉक्स कुड नॉट फॉलो हर. और वहाँ पे क्योंकि मदर पैट्रिस स्ट्रेट नहीं जा रही थी और सर्कल में इधर उधर घूम रही थी, तो फॉक्स उसको फाइंड नहीं कर पाया.
वो फॉलो भी नहीं कर पाया. सिट्टू के डिफरेंट एंड लॉन्गर वे टू गो बैक टू दैट लिटिल फूजबॉल्स हु वेर हाइडिंग एंड वेटिंग फॉर हर. वो क्या कर रही थी, बहुत डिफरेंट वे से घूम रही थी और घूम घूम के वो अपने अपने बच्चे के पास. फूजबॉल्स मीन्स बॉल्स ऑफ सॉफ्ट एंड वेरी फाइन फीदर्स, जो उनके बच्चे को यहाँ पे बोला जाता है. बच्चे बहुत सॉफ्ट एंड बहुत सुंदर थे, बहुत नाजुक थे, उनको बोला जाता है. उनकी बेबीज के पास वो गई, हु वेर हाइडिंग एंड वेटिंग फॉर हर, जो कि उनको वेट किए थे और उनको उनकी मम्मी को वो लोग वेट किए थे, उनकी माँ को, मदर पेट्रिस को वो लोग वेट किए थे कि कब हमारी मम्मी आएंगे. वाइल्ड बर्ड्स हैव एन एक्सीलेंट मेमोरी फॉर प्लेसेस. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो मदर पेट्रिस है उनका उनके पास बहुत एक्सीलेंट मेमोरी पावर है. सो हियर वी कैन अंडरस्टूड दैट वाइल्ड एनिमल्स हैव वेरी एक्सीलेंट मेमोरी. दे कैन मतलब प्लेस, उनके पास बहुत अच्छा प्लेस जानने के लिए उनके पास बहुत अच्छा मेमोरी रहता है. मतलब उनको वो लोग जान पाते हैं कि कहाँ पर क्या है जंगल के पास, जंगल में. मदर पेट्रिस वेंट टू द वेरी ग्रास सी हैड स्टॉप्ड ऑन. अब वो चली गई जहाँ पर वो पहले थी, वहाँ पर जाके स्टॉप हो गई, रह गई. सी स्टूड फॉर ए मोमेंट फाउंडली टू एडमायर हाउ परफेक्टली क्वाइट हर चिल्ड्रेन वेयर. अब वो बहुत मतलब इफेक्शन के साथ उनकी बच्चे को एक जगह पे जाके खड़ी हो गई जहाँ पर वो लोग हाइड हुए थे, वहाँ पे जाके छिप गई और क्वाइटली उनके चिल्ड्रन को देखने लगी. इवन व्हेन दे हर्ड हर स्टेप नॉट वन ऑफ देम मूव्ड. लेकिन जब वो लोग उनकी मदर पेट्रिस की आवाज़ सुने, स्टेप का आवाज़ सुने, फिर भी वो लोग निकल के नहीं आ रहे थे क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे. देन मदर पेट्रिस सेड क्रिट, दैट मीन्स कम चिल्ड्रन. अब क्या हुआ, देन मदर पेट्रिस सेड, बोलने लगे कि क्रिट कम चिल्ड्रेन. एंड इंस्टेंटली, और जब वो ऐसे बोले, इंस्टेंटली द बेबी पेट्रिजेस केम आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेस. अब वो सब लोग एक बार जब कम चिल्ड्रेन बोल के बुलाई वो पेट्रिस, मदर पेट्रिस, देन सब बच्चे बाहर निकल के आ गए. जहाँ जहाँ पर छुपे हुए थे वहाँ से निकल के आ गए. इट वॉज लाइक मैजिक. ये क्या था, एक मैजिक जैसा था. द बेबी ऑन द चिप ओपनड हिज बिग लिटिल आइज एंड रन टू हाइड अंडर हर ब्राउड टेल. जो चिप के नीचे थी, लास्ट में हम लोग देखे थे कि एक लास्ट में एक जो उसको प्लेस नहीं मिली थी और वो छोटा छोटी बर्ड जो था वो एक चिप के नीचे छिपी हुई थी, तो वो भी उसके बिग लिटिल आइज के साथ ओपन की खोली थी क्योंकि वो क्लोज करके डर के मारे पूरा छिप गई थी. पूरा अपना आइज को क्लोज करके बैठ गई थी वो, अपना आइज को क्लोज की और आ गई मदर पेट्रिस के पास. पिप पिप, सॉरी, एन एनिमी कुड नॉट हैव हर्ड दिस हिज स्वीट लिटिल पिप पिप 3 feet अवे. और लेकिन वो फॉक्स ये सब नहीं देख पाया था और नहीं भी सुन पाया था. बट मदर पेट्रिस वुड हैव हर्ड इट इफ इट वॉज थ्राइस एज फार. क्योंकि लेकिन मदर पेट्रिस ये सब देखी थी क्योंकि ये उनका थर्ड टाइम हुआ था. ऑल द अदर बेबीज जॉइंड देयर मदर एंड ऑल ऑफ देम वेर वेरी हैप्पी. अब वो सब बच्चे उनकी मम्मी के पास आ गए, मदर के पास आ गए, मदर पेट्रिस के पास आ गए और सब बहुत खुश हो गए. सो एडॉप्ट Adapted from wild animals, I have known by E.T. Stone. So the writer's name is E.T. Stone. E means Ernest Thompson Stone. Okay. Was born in England, though he lived for many years in the U.S. and Canada. वो इन US और कनाडा में बहुत दिन रहे थे. ही वॉज ए वाइल्ड लाइफ एक्सपोर्ट. वो वाइल्ड लाइफ एक्सपोर्ट थे एंड यूज हिज एक्सपीरियंस टू राइट अबाउट एंड ड्रॉ एनिमल्स. और उनको जो एनिमल्स के बारे में लिखना और उनके एक्सपीरियंस के बारे में लिखना और उनको ड्राइंग करना बहुत पसंद था. दिस वन ऑफ द टेक्स्ट वेयर स्टेन शोज हर क्लेवर काइंड एंड ब्रेव एनिमल्स कैन बी. और यहाँ पे वो ये एक टेक्स्ट है जहाँ से वो क्लेवर काइंड एंड ब्रेव एनिमल्स के बारे में लिखे हैं. सम ऑफ हिज अदर्स बुक्स आर, और कुछ उनके बुक्स है जिसका नाम है एनिमल हीरोज एंड वुडलैंड टेल्स. ओके, सो आई होप यू स्टूडेंट्स
you got it very nicely. Thank you so much for being with my channel. Thank you.